दोस्तों बिग बॉस सीजन 17 का अपकमिंग एपिसोड यानी कि कल का एपिसोड काफी धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि कल के एपिसोड में हमें घर के अंदर नॉमिनेशन से जुड़ा हुआ टास्क देखने को मिलेगा। और ये नॉमिनेशन वाकई काफी जबरदस्त होगा, क्योंकि इस नॉमिनेशन टास्क के दौरान घर के ये सारे कंटेस्टेंट एक दूसरे की कड़ी वाली बेइज्जती करने वाले हैं। और इस दौरान ईशा माल्या तो ऐश्वर्या की जमकर क्लास लगाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ऐश्वर्या को नॉमिनेट करते हुए ईशा जो है वो बताएगी कि ऐश्वर्या का घर के अंदर कोई भी वजूद नहीं है। दरअसल सबसे पहले अगर बात करें टास्क की, तो आपको बता दें कि ये एक फ्रॉग वाला टास्क होगा, मेंढक वाला टास्क होगा, जिसमें कि घर का एक कंटेस्टेंट जो है वो बिग बॉस के द्वारा समय समय पर राजकुमार या राजकुमारी बनाई जाएगी, जो कि अपने जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं यानी कि मेंढक जो है वो चुने जाएंगे उसके द्वारा यानी कि राजकुमार के द्वारा। और फिर वो मेंढक डिसाइड करेगा कि वो किसको नॉमिनेट करेगा। और इस दौरान मेंढक के पास में मौका होगा दो सदस्यों को नॉमिनेट करने का। और इस तरीके से बारी बारी से ये मेंढक एक दूसरे को नॉमिनेट करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और टास्क के अंत में कुल मिलाकर चार सदस्य घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए हैं, जिसमें नील और ऐश्वर्या की जोड़ी है, बाबू भैया है और अंकिता लोखंडे है। इस हफ्ते ये चार सदस्य घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार एविक्शन होता है या नहीं। जहाँ तक अनुमान है, इस बार हो सकता है कि वोटिंग लाइन से बंद कर दी जाए, या फिर हो सकता है कि इस बार क्रिसमस का मौका देखकर बिग बॉस के मेकर्स एविक्शन को रोक दें। फिलहाल आपका क्या है कहना, अपने राय हमें कमेंट में बताएं। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।